अक्सर हमें हिंदू मुस्लिम के झगड़े की खबरें सुनने को मिलती हैं, लेकिन केरल से एक हिंदू मुस्लिम एकता और सद्भावना की एक अनोखी खबर सामने आई है। केरल में इन दिनों एक मुस्लिम महिला द्वारा बनाई गई श्री कृष्ण की पेंटिंग की चर्चा जोरों पर है। दरअसल कोझिकोड की रहने वाली 28 साल की मुस्लिम महिला जसना सलीम की बनाई गई भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पेंटिंग को मंदिर में जगह दे दी गई है। दरअसल पथानमथिट्टा जिले में पाडलम के पास उलानाडु में स्थित श्री कृष्ण स्वामी मंदिर में लगी मूर्ति के बगल में ही जसना सलीम की पेंटिंग को जगह दी गई है। इस तस्वीर को उन्नीकरण नाम दिया गया है। बता दें कि मलयालम में उन्नीकरण का मतलब होता है श्री कृष्ण का बाल रूप। जसना तीन भाई बहनों में सबसे छोटी हैं और यही कारण है कि उनके घर के सदस्य उन्हें बचपन में कन्ना कहते थे। इसका मतलब होता है प्रिय बच्चा या फिर कृष्ण का बाल रूप। दो बच्चों की मां बन चुकी जसना पिछले 6 सालों से भगवान श्री कृष्ण की पेंटिंग बना रही थी, लेकिन रविवार को उनका सपना तब पूरा हुआ जब उनकी पेंटिंग को मंदिर के अंदर भगवान की मूर्ति के बगल में जगह दी गई। जसना ने बताया कि मैं उलानाडु मंदिर के सभी सदस्यों से काफी प्रभावित हूँ। मंदिर के पुजारियों ने पेंटिंग पर माला चढ़ाई और उसकी पूजा भी की। जसना ने कहा कि जब वह भगवान श्री कृष्ण की पेंटिंग बना रही थी तब उन्हें बहुत से लोगों के विरोध का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उनके पति ने उनका हमेशा साथ दिया। जसना की बनाई पेंटिंग सोशल मीडिया पर इन दिनों चर्चा का विषय बन चुकी है। जसना ने कहा कि पहले उन्हें पेंटिंग का कोई शौक नहीं था। वह स्कूल में मैप भी ठीक से नहीं बना पाती थी, लेकिन कुछ साल पहले वह घर में गिर जाने के कारण वह बिस्तर पर बैठी थी और तभी उनकी नजर अखबार में भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर पर पड़ी। तब से उन्होंने पेंटिंग बनाना शुरू किया और अब वे अपने दोस्तों को भी पेंटिंग गिफ्ट करती है।